वेलकम बैक टू डेक्कन प्राइड ब्लॉग्स वंस अगेन। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अब्दुल मन्नान। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकॉन भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं तो आप तक जरूर पहुंचे। तो आज की टॉपिक है हाउ टू बिकम अ ब्रांड इन एनी सॉर्ट ऑफ बिजनेस, बी इट पेट इंडस्ट्री, बी इट एनी काइंड ऑफ बिजनेस, व्हाटएवर यू आर डूइंग फॉर योर लाइफ एंड फॉर योर ब्रेड एंड बटर। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग बिजनेस में बहुत बहुत अच्छा करते हैं और कुछ लोग बहुत परेशान होते हैं कि अपने प्रोडक्ट्स नहीं बेच पाते। तो दोस्तों, सबसे पहली बात बताना चाहूँगा कि ज़िंदगी में हर कदम पे आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहली चीज़ है पेशेंस। जब तक आपके पास पेशेंस ना हो आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। मैं एग्जाम्पल दूंगा दोस्तों, लेट अस गो टू सर्टेन इंडस्ट्रीज, ओके, फूड इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री। दोस्तों, आप क्या आपको मालूम है कि हमारे कंट्री में कितने जो है फार्मर्स है जो रोज़ाना अपने जो है गाय भैंसों से जो है दूध निकालते, ठीक है, और निकाल के जो है अक्सर ये लोग नहीं बेच पाते, जो प्रोडक्शन होता नहीं बेच पाते। तो ये लोग क्या करते, जो इनका जो भी क्वांटिटी ऑफ मिल्क है ये आते कोई ब्रांड के पास। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ अमूल इन इंडिया। अमूल क्या करता, गांव छोटे देहात में जाके ना इनसे शायद आई थिंक 35-40 रुपए मैक्सिमम वो खरीद लेता इनके पास से, ले खरीद के ना अपने जो है अपने वेयरहाउस, अपना जो वेयरहाउस रहता है इनका, वहाँ पे लाके प्रोसेस करता, वहाँ से दूध में से जो है क्रीम निकाल लेता और फिर उसके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाता, फिर मार्केट में जो है ये अपने नाम से बेचता एंड द प्राइस विल बी 90 रुपीज़ प्लस। तो आप समझ रहे ना, जो प्रोडक्शन कर रहा वो बेच नहीं पा रहा क्योंकि इसका रीच नहीं है उतना। तो ये क्या करता कि 40 रुपये में अमूल, हो सकता अमूल ये भी कर सकता था कि 40 रुपये का दूध लाके जो है मार्केट में 45 रुपये से बेच दे, यानी कि 45 रुपीज़, 5 रुपये का प्रॉफिट रख के। लेकिन एक अच्छा बिजनेसमैन कभी ऐसा नहीं करेगा। एक अच्छा बिजनेसमैन ना हमेशा मार्केट का जो स्टैंडर्ड है वो कभी नहीं तोड़ता। समझ रहे ना बात को आप। लेट अस टॉक अबाउट हैदराबाद। हैदराबाद में मस्कती है, मस्कती भी जो है इनका भी प्रोडक्शन है, शायद ये भी बाहर से लेते, लेकिन दे फॉलो अ सर्टेन स्टैंडर्ड 90 प्लस जो टोन मिल्क है, जो सबसे कम दर्जे वाला दूध, ये भी कम से कम ये लोग जो है अच्छे प्राइसेस में बेचते हैं। तो बोलना ये है कि आप जब तक मार्केट स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करेंगे इट्स ऑल वेस्ट ऑफ टाइम। समझ रहे ना बात को आप। एक और एग्जाम्पल दूंगा, हम देखते हैं अक्सर हमारे चौरस्तों के पास, हमारे गली के कोनों के पास जो है कई लोग आके जो है मुरकुल ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जो है घर में बना के ला के बेचते हैं। इनके पास जो प्राइस होता बहुत कम होता और क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती, लेकिन अक्सर ये लोग जो है विल नॉट बी एबल टू सेल इट आउट, एंड ऑफ द डे दे विल बी स्ट्रगलिंग। लेकिन जब हम एग्जाम्पल लेंगे हल्दीराम्स का, आप देखिए हल्दीराम्स का बिजनेस कैसा है, दे आर ऑन ए नेशनल लेवल, प्रोडक्ट वही रहेगा, आपको 10 रुपये के पैकेट में महज बहुत छोटी क्वांटिटी आएंगी, आई थिंक बहुत छोटी क्वांटिटी, लेकिन दे आर सक्सेसफुल बिकॉज दे आर एबल टू मेक देमसेल्व, प्रेजेंट देमसेल्व्स एज अ ब्रांड। और जब तक आप ब्रांड नहीं बनेंगे आपका कोई भी प्रोडक्ट हो आपको बेचने में आसानी नहीं होगी। सिर्फ चीज़ें कम करके प्राइस बेचने में कोई जो है अकलमंदी नहीं है, आपको प्रॉफिट्स नहीं आएंगे, आपका जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है वो आप यू विल नॉट बी एबल टू मीट इट। तो बोलना ये है कि सबसे पहली चीज़ हैव पेशेंस, सेकेंड थिंग बी इनोवेटिव। जब तक आप इनोवेटिव नहीं होंगे, जब तक आप खुद को आप जो है ब्रांड नहीं बनाएंगे, ये सब चीज़ें नॉट पॉसिबल। उम्मीद करता हूँ कि मैसेज पहुँच चुका है। टेक केयर।